आखिर क्यों शिव को अपनी जान बचाने के लिए अपने भक्त से भागना पड़ा? भगवान शिव को लोग अनेकों नामों से जानते हैं, परंतु ज्यादातर लोग उन्हें भोलेनाथ के नाम से ही पुकारते हैं। और सत्य भी है कि भगवान शिव बड़े ही भोले हैं। उन्होंने अपने भक्तों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। जिसने भी सच्चे मन से उन्हें पुकारा, प्रभु दौड़े चले आए, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो या फिर राक्षस। और इसी बात का राक्षसों ने सदा ही लाभ उठाने की कोशिश की है। भगवान शिव के इस भोलेपन की वजह से कुछ ऐसे भी वाक्य हुए हैं कि सुनकर हंसी आती है। बहुत समय पहले भस्मासुर नामक एक राक्षस था, जो सारे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। उसे भोलेनाथ के भोलेपन के बारे में पता चला। उसने सोचा, क्यों न इनकी तपस्या की जाए, जल्द ही ये प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे देंगे। ऐसा निश्चय कर उसने भगवान शिव की कठिन साधना आरंभ कर दी और पूरे मनोयोग से भगवान शिव को पुकारना शुरू कर दिया। उसकी कठोर साधना और करुण पुकार सुनकर कैलाश भी हिलने लगा, तो भगवान शिव का ध्यान उस ओर गया। उन्होंने सोचा कि आखिर कौन है जो मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। शिव ने देखा कि भस्मासुर कठोर तप में लीन है। शिवजी ने भस्मासुर को आवाज दी, पुत्र आंखें खोलो और बताओ आखिर क्यों मुझे पुकार रहे हो। भस्मासुर ने आंखें खोली और सामने भगवान को देखकर गदगद हो गया और उनके चरणों में लेट गया और कहा, प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, पुत्र ये तो असंभव है, जिसने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी उसी समय तय हो चुकी है। कोई और वर मांगो जो कि प्रकृति के नियम के अंतर्गत हो। भस्मासुर बहुत देर तक अपनी मांग पर अड़ा रहा, परंतु शिव नहीं माने। हार कर उसने अपनी मांग बदल ली और कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। इस पर शिव ने कहा, ठीक है, तुम जिस किसी के सर पर हाथ रखोगे वो उसी क्षण राख में बदल जाएगा। भस्मासुर को यकीन नहीं हुआ कि शिव ने उसे सच में ये वरदान दे दिया है। अतः उसने सबसे पहले शिव के सर पर हाथ रख कर आजमाने की सोची, परंतु शिव भी उसके मन की बात समझ चुके थे और अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ा। उसके बाद उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। उन्होंने चक्रधारी का स्मरण किया। भगवान विष्णु के आते ही उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और छुटकारे का उपाय करने को कहा। इस पर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के सम्मुख पहुंच गए। भस्मासुर उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया और उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु जी ने कहा, मैं नर्तकी हूँ और नर्तक से ही विवाह करूँगी। इस पर उसने कहा, अगर तुम मुझे सिखाओ तो मैं अच्छा नृत्य कर सकता हूँ। मोहिनी ने कहा, ठीक है, जैसे मैं करती हूँ वैसे करो। भस्मासुर ने मोहिनी का अनुकरण करना शुरू कर दिया और इसी क्रम में उसने अपना हाथ अपने ही सर पर रख लिया और शिव के वरदान के कारण खुद ही जलकर भस्म हो गया।